ये बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए भारत देश के अंदर जो विद्यार्थी है वो उच्च शिक्षण ले रहे हैं और इतनी मुसीबतों के बाद, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी मुस्लिम तबके के अंदर बहुत कम शिक्षित लोग होते हैं और बड़ी उनकी गरीबी मुफलिसी की वजह से वो कम शिक्षा लेते हैं और इतनी परेशानियों के बाद में भी वो जब शिक्षा हासिल करते हैं तो भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप पकड़ा तलिए, यानी कि जब ये बच्चा बड़ी मुसीबत से पढ़कर उच्च शिक्षित होता है और जब स्टेटमेंट ये नरेंद्र मोदी का सुनता है तो वो डायरेक्ट उसकी भावनाओं पर वार होता है। दोस्तों, भारत देश के अंदर यही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार ना कर बीजेपी सरकार ऐसे कई कलंकित निर्णय ले रही है भारत देश के अंदर जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज और दलित समाज के ऊपर अत्याचारी कायदे लागू कर रही है। कोई एक ऐसा पहला मसला नहीं है जो भारत देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर पहला अत्याचार हुआ शिक्षित बच्चों शिक्षित विद्यार्थियों को लेकर, बल्कि शरीयत में मदाखलत करके भारत देश ने ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन काल के अंदर भी ऐसे कलंकित निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं ली थी जो आज भारत देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ले रही है। शरीयत में मदाखलत, भारत देश का संविधान इनको अथॉरिटी नहीं देता, उनको इजाजत नहीं देता। लोकतंत्र के देश के अंदर सभी भारत में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार जिंदगी व्यापन करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन शरीयत में मदाखलत करके नरेंद्र मोदी सरकार लोकतंत्र को और संविधान को कलंकित करने का काम कर रही है। इन्हें कोई इजाजत नहीं देता कि तीन तलाक के मामलात के अंदर हस्तक्षेप करे। गौवंश हत्या प्रतिबंध कायदा हुआ, सैकड़ों की तादाद के अंदर मुसलमान और दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ, ये कलंकनीय है। ये तो मुसलमानों की शराबत है और ये मुसलमान नौजवानों की शराबत है कि वो इस भारत देश के अंदर शांति और अमन चाहते हैं, इसलिए खामोश है। वरना जुल्म ज्यादा नहीं चलता नरेंद्र मोदी सरकार, आपको आपके कार्यकाल के अंदर आपने 3 साल पूरे कर दिए हैं, अब 2 साल आपके बचे हैं। देखना है आने वाले 19 में चुनाव, लोकसभा और विधानसभा और सभी राज्यों में मुस्लिम समाज आपके विरोध में और दलित समाज आपके विरोध में वोट करेगा। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। हर तरह से मुस्लिम समाज को अभी हाल ही के अंदर एक मसला पेश आया कि मुस्लिम महिलाएं अपनी इबादत गाह के अंदर औरतें इमामत करेगी। ये सी न्यूज चैनल वाले ये प्रोपोगंडा रचकर ये बता रहे हैं और शरीयत में मदाखलत कर रहे हैं कि औरतें जो है इमामत करेंगी, जबकि इस्लाम मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। आज भारत देश के अंदर बीजेपी भगाओ देश को बचाओ। आज भारत देश के अंदर मुसलमान ऐसी स्थिति में गुजार रहा है अपनी जिंदगी, जैसा कि बिल्कुल गरीबी मुफलिसी और बेरोजगारी के अंदर, और आपके ये सितम शरीयत में मदाखलत, गौवंश हत्या प्रतिबंध कायदा और ऐसे कई आपने ऐसे कायदे लादे मुसलमानों के ऊपर जो हम और आपको सबको दुखित करते हैं। अल्फाज मंच पर बोलने के लिए दिए, मैं जावेद तुलसी साहब का शुक्रगुजार हूँ।